एक 8 साल का गेमर जिसने ई स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन किया है और रिसीव किया है $33,000 का साइनिंग बोनस। और इस तरीके से ये जो 8 साल का जोसेफ डीन है ये बन चुका है यंगेस्ट ई स्पोर्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और जोसेफ जो है, जोसेफ जिसको जो है जाना जाता है 33 गोजू, और वो ज्वाइन कर रहा है टीम 33 को। तो हेलो गाइस, मैं हूं अरविंद और लेकर आया हूं आपके लिए क्रेजी रुद्रा गेमिंग न्यूज। एक गेमर है न्यूयॉर्क सिटी में जिन्होंने अपना सबसे कीमती खजाना जो है वो गवा दिया है। वो जो कीमती खजाना है वो है उसकी गेम्स की कलेक्शन। जी हाँ, एक्चुअल में क्या है कि ये जो गेमर है ये काम करता है किसी और जगह पे, तो ऐसे में उसने अपने घर के अंदर जो है काफ़ी बड़ी कलेक्शन की हुई थी गेम्स की और सीरीज की। अगर उसकी कलेक्शन की माने तो ये नियर अबाउट 3.7 करोड़ की इसकी वैल्यू जो है वो बैठती है। लेकिन क्या है कि पीछे से जो है उनकी मदर ने जो है वो पूरा का पूरा जो है उठा के जो है बेच दिया सामान, और उस गेमर को हुआ है बहुत ही बड़ा लॉस। अगर आप भी शौकीन है गेम्स के कलेक्शन को रखने के, तो भैया अपना खजाना जो है वो कीमती खजाना सेफ रखिए, सेफ जगह पे रखिए, या तो अपने घर वालों को बता के रखिए। दोस्तों, पबजी मोबाइल स्टार चैलेंज जो है वो शुरू हो चुके हैं, 2020 के कंफर्म हो चुके हैं, और उसके अंदर जो टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी वो भी कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में जो है हमारी हालत क्या है वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया से कोई भी टीम टूर्नामेंट में जो है वो नहीं गई है, और जो हमारे इंडियन प्लेयर जितने भी हैं ई स्पोर्ट्स के शौकीन जो जाना चाहते थे वो नहीं जा पाए हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर पबजी जो है अभी भी बैन है। उम्मीद करते हैं कि ये जो बैन है वो जल्द से जल्द हटे और ई स्पोर्ट्स की दुनिया में इंडिया भी अपना कदम रखे और पूरी दुनिया को बताए कि इंडियन जो है वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगली न्यूज जो है वो एनकोर फाउंडर फौजी की गेम की जो है उनकी तरफ से आ रही है। विशाल गोंडल जी हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये सब कुछ बेसलेस है, कि पबजी मोबाइल और जो फौजी गेम है उनका कुछ सिमिलैरिटी है या उनकी गेम प्ले के अंदर कोई भी सिमिलैरिटी हो सकती है। अब बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि फौजी जो है वो पबजी से मिलता जुलता नाम है। ऐसे में फौजी की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो इंडियंस को हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब फौजी क्रिएटर्स को अब ये लग रहा है कि अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये गेम ना आई तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी जो है वो लॉस हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए आज बताया है कि जो फौजी की जो गेम प्ले है वो पबजी मोबाइल गेम प्ले से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है और एक अलग तरह की गेम जो है वो आ सकती है। ऐसे में फौजी की गेम प्ले जब रिलीज होगी तो वो कितना बाउंड कर सकती है इंडियंस को, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो पबजी मोबाइल इंडिया का इतना ज़्यादा क्रेज है जिसके थ्रू कहीं से भी फेक लिंक्स जो है एप्लीकेशन के आ रहे हैं और वहाँ पर जो है उसके फॉलोवर्स एकदम से जो है वहाँ पर जाकर उसको देख रहे हैं। तो ऐसे में जो है अब एक और न्यूज़ आई है जहाँ पर एक अनवेरीफाइड पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन जो कि टैप टैप एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर आया था, वहाँ पर 4,50,000 फॉलोवर्स जो है उसके आ गए। और इसमें डेवलपर्स ने भी ये जानकारी दी है कि भैया ये जो लिंक है ये हमारा ओरिजिनल लिंक नहीं है और आप इसको ना ही फॉलो करें। तो यूट्यूब गेमिंग के अंदर सबसे जो बड़े यूट्यूबर हैं गेमिंग के वो है अज्जू भाई टोटल गेमिंग की तरफ से, जिनके नियर अबाउट 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो हो चुके हैं। अज्जू भाई 94 जो कि इन गेम नेम है फ्री फायर में इनका टोटल गेमिंग का, वो है रहने वाले गुजरात के और जिनका नाम है अजय। बहुत ज़्यादा एक्सेम्प्लरी गेमिंग स्किल्स और इंप्रेसिव गेम प्ले जो इनका स्टाइल है उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं अपने और बहुत बड़ा ह्यूज फैन फॉलोइंग लेकर चलते हैं। पर इनकी अगर केडी रेशो की बात की जाए तो सोलो में इनका 2.76, वहीं डुओ के अंदर इनका है 4.79 और स्क्वायर के अंदर जो है इनका 4.91 का रेशियो है। पर दोस्तों, अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो फेसबुक जो है वो अपना फर्स्ट क्लाउड गेम जो है वो डिजिटल रियलिटी शो के रूप में लेकर आ रहा है, जहां पर यूजर जो है वो उस गेम को कंट्रोल कर पाएंगे। इस गेम के डिजिटल रियलिटी शो गेम के अंदर जो है यूजर खुद कंट्रोल कर पाएंगे कि उन्होंने इस गेम को किस तरीके से आगे लेकर जाना है। पर एक नया तरह का कंसेप्ट जो है वो फेसबुक गेमिंग अपना लेकर आ रही है क्लाउड गेम बेस्ड से, और कितना सफल होता है ये तो आने वाला टाइम बताएगा, और कितना इंगेज ये कर सकते हैं इस गेम के थ्रू ये भी आने वाला टाइम हमें जरूर बताएगा। तो अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, WWE अनडिफीटेड बॉडी स्लैम जो कि एंड्रॉयड और iOS वर्जन के लिए
रिलीज हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप इस गेम को देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और इसका गेम प्ले का एंजॉय कर सकते हैं। तो इस गेम के अंदर फीचर है कि आप रियल टाइम हेड टू हेड कॉम्पिटिशन जो है एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं और सुपरस्टार और लेजेंड्स फाइट जो है वो कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा एक एक्शन पैक गेम है, तो आप जरूर इसको एक बार चेकआउट कीजिए। ये सीधी सी बात है, गेम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और आने वाले टाइम जो है वो गेमिंग की दुनिया में काफ़ी एक बदलाव लेकर आ सकता है। इंडिया के अंदर जो है अभी ये चीज़ें धीरे धीरे और ग्रो कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि पबजी जैसी मोबाइल गेम जो ई स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है जिसमें, वो जल्द से जल्द आए और इंडिया का जो ई स्पोर्ट्स है वो भी एक काफ़ी अच्छे लेवल पर ग्रो करें। दोस्तों आज की गेमिंग न्यूज़ को करते हैं यहाँ पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आप डेली न्यूज़ देखना चाहते हैं। ऐसे में अब मैं आपसे लूँगा अलविदा, दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।